ग्वालियर की, जहां पर एनडीपीएस एक्ट के अपराधों में गुणात्मक अनुसंधान और पर्यवेक्षण अधिकारियों की भूमिका विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नार्कोटिक्स जयदीप प्रसाद ने पुलिस कंट्रोल सभागार में किया। इस कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी श्रीनिवास वर्मा ने कहा कि एनडीपीएस संबंधी प्रकरणों की जाँच के दौरान पूरी कड़ी को उजागर करना होगा। इस दौरान कार्यशाला में एसपी राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि जांच पुलिस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके लिए जांचकर्ता को एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान करते समय एक टीम की तरह काम करना चाहिए और एनडीपीएस प्रकरण के अनुसंधान के दौरान उसकी जड़ तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांचकर्ता को नियम प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसको लेके एक बृहद स्तर पर एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें कि ग्वालियर और चंबल संभाग के अधिकारी शामिल हुए, एडीजी ग्वालियर साहब, आईजी चंबल रेंज और उनके वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ आईओ लेवल के अधिकारी सभी यहाँ पे सम्मिलित हुए। हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर के रूप में सीबीएन के अधिकारियों को बुलाया है और इसका आशय ये है कि हम एपेक्स परपेट्रेटर जो गैंग के सबसे ऊपर लेवल पे होते हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल हो सकते हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई करें। आज की एनडीपीएस का एक दिवसीय कार्यशाला ग्वालियर कंट्रोल रूम में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के राजपत्रित अधिकारी, डीएसपी एंड इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, इनके लिए आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे कि आपको मालूम है कि एनडीपीएस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है और उसमें सजा का प्रावधान काफ़ी स्ट्रिंजेंट किया गया है।